मीडिया फाइल्स को सेंड करने के लिए ढेर सारी एप्लीकेशन आपके फोन में मौजूद हैं, लेकिन मान लीजिए कि गूगल मैसेज ऐप का इस्तेमाल भी आप आज तक कर रहे हैं एसएमएस वगैरह सेंड करने के लिए, तो अब आपको गूगल मैसेज में भी मिलने जा रहे हैं कुछ नए फीचर। क्या है वो फीचर और कैसे वो काम कर रहे हैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो बस लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वीडियो में डेडिकेटेड गूगल मैसेज ऐप के बारे में बताने वाले हैं। अभी आपके एंड्रॉइड फोन में प्री इंस्टॉल्ड मिलती है जिसमें कि जीआईएफ फाइल के साथ साथ इमोजीज अवतार को आप शेयर कर सकते हैं, एसएमएस टेक्स्ट वगैरह तो कर ही सकते हैं और भी साथ में कुछ फीचर मिल जाते हैं, लेकिन एक नया अपडेट गूगल ने अब दे दिया है। प्ले स्टोर पर जाकर या फिर आप जिस कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं उसके डेडिकेटेड प्ले स्टोर पर जाकर अभी आप अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। नए अपडेट के बाद आपको कुछ नए फीचर मिलने वाले हैं, क्या होंगे आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे ही आप अपने अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे गूगल मैसेज ऐप को, तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा जो चैट स्टार्ट है उसका ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। कोई भी एक आप कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसके साथ में आपको चैट करनी हो या कुछ सेंड करना हो। जैसे ही आप उस कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन होगा जो कि कुछ इस तरह का होगा, जहां पर कि नीचे की तरफ आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप कोई वॉइस कमांड दे सकते हैं, इमोजी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एक प्लस का बटन दिखेगा, उसके साथ में एक इमेज का बटन भी दिखेगा। इस इमेज के आइकन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी और कुछ कैमरा इंटरफेस वाले ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं लाइव कोई फोटो या फिर आप गैलरी से कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटो अगर सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई इमेज वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो उसको भी आप सेंड कर सकते हैं, 370 KB तक का साइज होना चाहिए। वापस से आते हैं, अगर आप प्लस आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको और भी ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे टॉप पर मिलेगा जीआईएफ फाइल का, उसमें से आप जो भी चाहते हैं जीआईएफ फाइल भी शेयर कर सकते हैं। उसके नीचे जब आप आएंगे तो यहां पर आपको अवतार्स मिलेंगे जिनमें से कोई भी अवतार जो भी आप चाहते हैं शेयर करना वो शेयर कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो आप लाइव लोकेशन को भी शेयर कर सकते हैं। उसके नीचे आपको गूगल असिस्टेंट के सपोर्ट के साथ में रेस्टोरेंट मूवी वेदर जैसे ऑप्शन मिलते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉन्टेक्ट को शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि आप ढेर सारी जो चैटिंग एप्स हैं उनमें शेयर करते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट को भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंड कीजिए। नीचे की तरफ आपको सबसे नीचे अटैच अ फाइल का ऑप्शन भी मिलेगा जो कि आप गैलरी से आप अपने स्टोरेज में जाके जहां से भी जिस फोल्डर से भी आप कोई फाइल चाहते हैं अटैच कीजिए और भेज दीजिए। मैं आपको यहां पर एक इमेज सेंड करके दिखाता हूं कि कैसे जाएगी। यहां पर मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और सेंड किया। ये इमेज या वीडियो या जो भी ऐसी फाइल होगी जो कि मीडिया फाइल है वो ऑटोमेटिक MMS में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। तो कितना इजी और कितना नया दोस्तों आपको इंटरफेस मिल रहा है गूगल मैसेज ऐप में, जो कि आपको लगेगा ही नहीं कोई SMS वाली एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप WhatsApp या दूसरी जो भी चैट एप्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ यूजर इंटरफेस आप कंपनी ने चेंज करने की कोशिश की है। तो आप बताइए ये नया एक्सपीरियंस आपको दोस्तों कैसा लगा नीचे कमेंट करके, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगा और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दीजिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।